मुर्गियों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर चार तरीकों का उपयोग किया जाता है। पहला, खुले में रखने का तरीका, जिसे फ्री रेंज भी कहा जाता है। दूसरा, सघन या इंटेंसिव, जिसमें केज बैटरी सिस्टम से अंडा उत्पादन किया जाता है। मुर्गियों के रखरखाव का तीसरा तरीका है अर्ध सघन तरीका, जिसे सेमी इंटेंसिव भी कहते हैं। मध्यम वर्गीय और छोटे किसानों के लिए सबसे सटीक तरीका होता है चौथा तरीका, जिसे मोटे बिछावन वाला तरीका भी कहते हैं, या फिर जिसे डीप लीटर पद्धति भी कहा जाता है। चौथा तरीका बेहतर इसलिए है क्योंकि इससे समय और जगह की बचत के साथ साथ मेहनत भी कम पड़ती है। अभी हमारे साथ हैं प्रभारी मुर्गी पालन इकाई डॉक्टर MZ हुदा। इनसे हम जानेंगे कि डीप लीटर पद्धति जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किस तरह से एक बेहतर विकल्प है मुर्गी पालन को लेकर। डीप लीटर सिस्टम मध्यम वर्गीय एवं छोटे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि इसमें कम लागत से हमारे छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसान मुर्गी पालन का कार्य सुचारू रूप से करते हैं। लेकिन हमारे किसान बंधुओं को डीप लीटर सिस्टम में एक बात बिल्कुल ध्यान देने की है कि वो डीप लीटर के रूप में जो हम लोग बिछावन के रूप में उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बेहतर लकड़ी का बुरादा होता है। उसके अलावा वो धान का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धान का खुल्ली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे इसमें जो एक थोड़ा किसानों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है वो ये देनी है कि डीप लीटर सिस्टम में उसका जो लीटर मटेरियल है वो किसान बहुत बारीकी से अपने तरीके से सीख सकते हैं कि वो आसानी से अंदाज़ा लग सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर जो है इसमें नमी ज़्यादा ना हो। अगर किसान अपने फार्म में लीटर को अपने मुट्ठी में उठा लें और अपने सीने की दूरी से उसको वहीं से छोड़ दें, अगर वो देखते हैं कि अगर इसमें वो भुरखुरा वो ज़मीन पर गिरता है तो इसका मतलब कि लीटर बिल्कुल सही है, और अगर बिल्कुल आटा के गोला की तरह वो अगर ज़मीन पर गिरता है वो साफ से निरूपित करता है कि उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसमें कोक्सीडियोसिस नामक रोग के होने की बहुत बड़ी संभावना है, तो उस स्थिति में किसान यथाशीघ्र अपने लीटर को फार्म से निकाल कर थोड़ा धूप दिखा दें और उसमें चूने की मात्रा मिलाकर और थोड़ा नया सॉ डस्ट हो या फिर धान का खुल्ली हो या फिर जो भी वो बेडिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हों उसको फिर पुनः लाएं। डीप लीटर पद्धति के अलावा अगर हम बात करें फ्री रेंज की या फिर इंटेंसिव पद्धतियों की, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। फ्री रेंज सिस्टम में किसानों को मैं बता दूं कि जो हमारे छोटे किसान हैं जो 2-3-4 मुर्गियां का पालन करते हैं उनके लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं करती होती है। हमारे किसान एक छोटा सा एक कोने में एक छोटे से घर का निर्माण कर देते हैं जिससे वो जंगली जानवरों से उन्हें बचा सके। दिन में वो मुर्गियाँ जाती हैं, अगल बगल घूमती हैं और घर के कुछ बच्चे कुछ खाना खाते हैं, तो इसी को हम लोग फ्री रेंज सिस्टम कहते हैं। और इसमें किसानों पर कोई किसी तरह की खर्च नहीं आता है, लेकिन किसानों को अतिरिक्त रूप में अंडे उपलब्ध हो जाते हैं और अगर नर बच्चे निकलते हैं तो उसमें उनको मीट उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब हम केज बैटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कमोबेश अगर हम एक उद्यमी की बात करते हैं तो हमारा जो केज बैटरी सिस्टम आज के परिवेश में काफ़ी सफल और ज़्यादा पैसा देने वाला है, क्योंकि शुरुआती लागत तो बिल्कुल केज बैटरी सिस्टम में ज़्यादा आती है, लेकिन जब एक बार जब केज बैटरी सिस्टम पर हम ले लेते हैं तो मैनेजमेंटल कॉस्ट वहाँ बहुत ही कम हो जाता है और उसका थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव मुर्गियों के प्रोडक्शन पर भी पड़ता है। यानी एक बार अगर आप केज बैटरी सिस्टम ले लें, लागू कर दें, तो उसके बाद फायदा मुनाफा बढ़ता जाता है। लंबी अवधि में डीप लीटर की अपेक्षा उसमें हमको ज़्यादा फायदा होता है और हमें मैनेजमेंट में भी और बीमारियों के कंट्रोल में भी हमको उसमें ज़्यादा सुविधा होती है।